सभी प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध करवा दे वही कुंभ कहलाता है। और बंजारा कुंभ ने आज साबित कर दिया है कि अब भारत माता की रक्षा करने के लिए कुंभ ही है उसके तो सभी प्रकार की महापुरुषों और क्रांति वीरों के संकल्प को अब धर्म जागरण के माध्यम से सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और आज का ये समारोह इस बात का उद्घोष कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है, दुर्लभम भावे जन्म मानुषम तत्र दुर्लभा, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। यानी हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि विश्व मानवता को राह दिखाने वाले भारत की धरती पर न केवल हमने जन्म लिया है बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म जो दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है उसके रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारे इसके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में नेत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई एक घोष कर सकता हो कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम, तो सुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि अब तो एक जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है। आज हम उठ खड़े हुए हैं कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा भारत जिस तेजी के साथ विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा। और जिस तेजी के साथ जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है, 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त होना है जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% से भी आबादी निवास करती है,
किसी से भी पेटेंट पर जिनका अधिकार है, ये वही G20 के देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए और यही आपके वोट की ताकत भी है। भारत को एक गौरव मिलना है, हर भारतवासी को गौरव मिलना है और इसीलिए जहां यह भारत की ताकत वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है, वहीं याद करिए अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी। ये पंच प्रण गुलामी के अंश को सदैव के लिए समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं ना, सरदेव भैया जी जोशी जी यहां मंच पर हैं। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने संघर्ष हुए, न जाने लाखों हिंदुओं को बलिदान देना पड़ा, कुछ संतों को अपने आप को बलिदान देना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में कुछ संतों के मार्गदर्शन में जब आंदोलन आगे बढ़ा, आज जब देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी काशी में काशी विश्वनाथ धाम पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो पहले 5 फुट की संकरी गली थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 50 मीटर का चौड़ा गलियारा बन गया है। एक
आज यहाँ पर ये बंजारा कुंभ का आयोजन जिस भव्यता के साथ पिछले 6 दिनों से हो रहा है, मैं अभिनंदन करूंगा धर्म जागरण का। जिस प्रकार की भव्यता दिव्यता देखने को मिली, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ और बड़ी मात्रा में हर मत मजहब हर मत और संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतों ने आकर के, कई राज्यों से लोगों ने आकर के, प्रतिनिधियों ने आकर के इसमें अपनी सेवा करना सुनिश्चित की है। यह अभिनंदनीय है, सराहनीय है। धर्म जागरण के इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं उनका आह्वान करूंगा इस गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पूरे कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलना चाहिए।